इसको ऐसे सूंघने पर दोस्तों हरा हरा जैसे कुछ अमृत महकता है वैसा लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम हाथ से छील दे रहे हैं, छीलने पर भी ऐसा ही निकलेगा। देखिए हम लगभग छील ही चुके हैं। ये पर जो हरा हरा भी, इसके पहले ये जो लगा है दोस्तों ये सब निकल जाएगा। रुद्राक्ष का ये जो अंदर का बिज्जी है ये बहुत हार्ड होता है। ये छिलका भी ताज़ा है दोस्तों, हरा है। जब ये सूख जाएगा तब इसको और आसानी से निकाला जाता है। ये हरा होने की वजह से इसके सतह पर चिपका होता है। तो ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तब भी आप शेयर कीजिए वीडियो को, नहीं चाहिए तब भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये आस्था की भाव है। सभी को सही सामान मिलना चाहिए, सभी को जानकारियाँ मिलना चाहिए कि रियल में ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको छील लिया। दोस्तों और ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत महंगा नहीं है। कोई सोचने की बात नहीं है कि बहुत ही महंगा है, इसको कोई भी खरीद सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी। हम दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर का मुखी निकला। इसके अंदर का मुखी निकला, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष निकला। दोस्तों ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। पहला हमारा चारमुखी रुद्राक्ष था, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो इसी तरह पांचमुखी, छमुखी, सातमुखी, आठमुखी, नौमुखी, दसमुखी सभी निकलते हैं। तेरहमुखी, चौदहमुखी भी निकल जाता है और एकमुखी भी निकल जाता है। तो है ओरिजिनल रुद्राक्ष। आप कलर भी देख सकते हैं, इसका कलर दोस्तों इस कलर में है और इसका कलर तनी डार्क है। तो कलर भी आप देख सकते हैं, ये नेचुरल कलर है दोस्तों। ये रंगा हुआ बाजार में जैसे मिलता है वो कलर नहीं है, कि उसके ऊपर रंगा गया है। ये ओरिजिनल कलर है और ये है रुद्राक्ष एक नंबर का। तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए कि सभी लोग को इसका जानकारी अच्छे से हो सके। और जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो दूर के हैं भाई बंधु, उन्हें मिल सके, जिससे इसका लाभ हो ले सकें। तो जय हिंद दोस्तों। बम बम भोलेनाथ, अलख निरंजन।